सूरजमुखी फूलों के बीच में क्या काम? सूरज स्तंभ से ही तो इन फूलों का जन्म हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ बंजर जमीन और घोर अंधकार था। तब यहाँ एक बहुत पुराना सूखी लकड़ी से बना स्तंभ हुआ करता था। जब पहली बार चिरंजीवी भानुवीर ने सूर्य की किरणों को उस स्तंभ पर गिराया तो उसकी सूखी बेलों में नई जान आ गई और वो बढ़कर धरती में सम्मिलित हो गई। उनकी ऊर्जा से पूरी जमीन भी हरी भरी होने लगी और यहाँ सूरजमुखी उगने लगे। पर ये सूरजमुखी अनोखे थे। इनमें सूर्य के किरणों को अपने अंदर कैद करने की शक्ति थी। उन्होंने पूरी नगरी को सूर्य नगरी बना दिया और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक तीन तरह की रोशनी बनाकर पहुंचाना शुरू किया। पहली बल की रोशनी, दूसरी दिमाग की रोशनी, और तीसरी मन की रोशनी। समय बाद भानुवीर ने सूरज स्तंभ को सुरक्षित रखने के लिए उसे धरती के अंदर छुपा दिया। सूर्य नगरी में तुम्हारा स्वागत है कृष्ण। शुक्रिया। ये है मेरा शेर दिल दोस्त लिटिल सिंघम। चिकी, चिकी को क्या हो गया? लगता है चिकी पर बल की रोशनी के कण गिर गए। Oh!
चिकी, शुक्र है तुम ठीक हो। पर तुम ज्यादा देर ठीक नहीं रहोगे। जल्द ही महाबली कंस जीवन वृक्ष की सारी शक्ति खींच लेंगे और तुम और तुम्हारी पृथ्वी का होगा अंत। मूर्ख! महाराज, तुझे दिख नहीं रहा, कृष्णा और लिटिल संगम सूर्य नगरी तक पहुंच गए हैं। अगर उन्हें सूरज स्तंभ मिल गया तो वो समुद्र मंथन करके जीवन वृक्ष को बचा लेंगे। रोक उन्हें। जी महाराज। जंबाला जंबाला चिंगुरा चिंगुरा, अंधेर प्रेत जा, लिटिल सिंघम को हरा। हमारे पास समय कम है। जीवन वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं। इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आए, हमें सूरज स्तंभ तक पहुंचना होगा। लगता है अगली मुसीबत हमारे लिए पहले से ही तैयार खड़ी है। आ गया अंधेर प्रेत, अपना डर समेत। खतरा खतरा! क्यों उल्टी प्लेट? डराने की कोशिश मिल गई ना मिट्टी में। तू नहीं बचेगा लिटिल सिंघम, तूने अंधेर प्रेत को चुनौती दी है। अब तेरे जीवन में होगा तो बस अंधेरा ही अंधेरा। चल भाई अंधेर प्रेत, तेरी बत्ती जलाने का टाइम आ गया है। लिटिल सिंघम, कुछ भी हो जाए, बस अंधेर प्रेत तुम्हें छू ना पाए, नहीं तो तुम उसके अंधेरे में फंस जाओगे। चिंता मत करो कृष्णा, छूना तो दूर, ये मेरे आसपास भी नहीं आ पाएगा। क्यों भाई अंडा फेंट? अंधेर प्रेत! आया अंधेर प्रेत, अपना डर समेत। लिटिल सिंघम, अंधेरे को एक ही चीज भगा सकती है, रोशनी। समझ गया कृष्णा। चिकी, अब तुम देखो शेर का टशन। Yeah!
अंधेरा चाहे जितना भी तेज हो, रोशनी के आगे घुटने टेक ही देता है। ये खतरा टल गया। पर हमारी सूर्य नगरी नष्ट हो गई। हम पृथ्वी पर भी बल, दिमाग, मन की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब मुसीबत आती है तो उसका हल भी कहीं आसपास ही होता है। चिरंजीवी भानुवी, हमारी मदद कीजिए। चिकी, ये तो कोई गेम लगती है। ये खेल नहीं, ये है सूर्य नगरी की तिकड़म तिकड़ी। आगे बढ़ने के लिए एक शेर दिल इंसान को पूरी करनी होगी। पहले बल की परीक्षा। हाँ लिटिल सिंघम, लगता है तुम्हें अपने पूरे बल से इस हथौड़े को यहाँ मारना होगा ताकि ये गेंद ऊपर छत तक जाए। हाँ कृष्णा। फिर से कोशिश करो लिटिल सिंघम, इस बार और जोर से। पुलिस की वर्दी। एक बार और। चिरंजीवी भानुवीर का रथ नष्ट हो जाएगा। शेर के होते हुए नहीं। तुमने बल की परीक्षा पार कर ली लिटिल सिंघम। चलो। ये तो दिमाग की रोशनी का फूल लग रहा है। लिटिल सिंघम रुको। परीक्षा सिर्फ एक शेर दिल ही पार कर सकता है, यानी हमारा लिटिल सिंघम।
हाँ चिकी, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। कमरे की दीवारें पास आ रही हैं। जल्दी करो लिटिल सिंघम। बहुत अच्छे लिटिल सिंघम, बस थोड़ा सा बचा है। दिमाग रखो शांत, तभी हो सकेगी ये चुनौती पूरी। हाँ, दिमाग शांत, ध्यान पूरा। परीक्षा भी पार कर ली लिटिल सिंघम। चिरंजीवी भानुवीर का सूरज स्तंभ। कृष्णा, जब मैंने बल की परीक्षा दी थी तो हमें कहा गया था कि ये तिगड़म तिगड़ी है, यानी एक परीक्षा भी बाकी है। हाँ लिटिल सिंघम, तुम सही कह रहे हो। बल की रोशनी और दिमाग की रोशनी के फूल तो मिल गए, पर मन की रोशनी का फूल मिलना भी बाकी है। पर हम यहाँ रोशनी के फूल नहीं, सूरज स्तंभ लेने आए थे जो हमारे सामने है। इसे लेकर हमें समुद्र मंथन करने जाना चाहिए ताकि जीवन वृक्ष बच सके। तुम ठीक कह रहे हो लिटिल सिंघम। हाँ, ये क्या हुआ? एक मिनट। जरा सूरज स्तंभ को नीचे रखो। क्या देखा कृष्णा? मैंने देखा कि सूरज स्तंभ को उसकी जगह से हिलाने पर पूरी सूर्य नगरी में अंधेरा फैल गया। इसका मतलब अगर हम सूरज स्तंभ यहाँ से लेकर जाते हैं तो सूर्य नगरी बर्बाद हो जाएगी, और अगर हम इसे नहीं लेकर गए तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। हाँ, अजीब दुविधा है। एक को बचाओ तो दूसरी जगह बर्बाद होती है। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? होना हो ये जरूर मन की परीक्षा है, इसका हल भी कहीं आसपास ही होगा। इस तस्वीर के अनुसार सूरज स्तंभ जमीन की जड़ों से आती रोशनी को सूर्य नगरी तक पहुंचाता है। समझ गया। कृष्णा, जल्दी स्तंभ को उठाओ। ऐसे हम पृथ्वी को तो बचा लेंगे लिटिल सिंघम, लेकिन सूर्य नगरी तो बर्बाद हो ही जाएगी। घबराओ मत कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। कृष्णा, तुम सूरज स्तंभ को ले जाओ और समुद्र मंथन शुरू करो जल्दी। हाँ।
चाहते तो सूरज स्तंभ लेकर जा सकते थे, जिससे समुद्र मंथन भी हो जाता और जीवन वृक्ष के साथ साथ पृथ्वी भी बच जाती। लेकिन तुमने सूर्य नगरी और पृथ्वी दोनों का सोचा। तुम्हारे अंदर सच्ची मन की रोशनी का वास है। तुमने तीनों परीक्षाएं पूरी की है, इसीलिए तुम असली हकदार हो इस सूरज स्तंभ के। इसकी मदद से सही समय पर सूरज स्तंभ प्रकट हो जाएगा। जल्दी जाओ, जीवन वृक्ष को बचाओ और हम चिरंजीवियों को मुक्त करो। धन्यवाद चिरंजीवी भानुवीर। सागर मंथन का समय आ गया कृष्णा, अपनी आखिरी सांसें गिन ले कंस। चलो देर कर दी लिटिल सिंघम, महाबली कंस तो लौट आए। अब चाहे कृष्णा हो या लिटिल सिंघम, पृथ्वी को नष्ट होने से अब कोई नहीं बचा सकता। जीवित होता है महाबली कंस, अब पृथ्वी पर राज होगा मेरा। सुनहरी संभल के। जीवन वृक्ष का अंत पास है, हमें जल्दी सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन की वस्तुएं निकालो। कृष्णा जल्दी बताओ मंथन कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले चिरंजीवी ऋतुवीर का ऋतु पत्थर बनेगा हमारे मंथन की नींव। ऋतु पत्थर पे लगेगा चिरंजीवी भानुवीर का अटूट सूरज स्तंभ। थैंक्स चिकी, पर कृष्णा हम इस तूफानी समंदर में चिरंजीवी योगवीर की दोस्ती की डोर को स्तंभ पर कैसे लपेटेंगे? लिटिल सिंघम तुम एक चीज भूल रहे हो, चिरंजीवी मत्स्यवीर के संतुलन की नाम। चलो चिकी, ऐसा कोई तूफान नहीं बना जो कृष्ण और लिटिल सिंघम की जोड़ी को हिला सके। सही कहा लिटिल सिंघम। थोड़ा और जोर लगाना होगा लिटिल सिंघम। मंथन शुरू हो गया। बस ऐसे ही जोर लगाते रहो लिटिल सिंघम। जादूगर, जीवन शक्ति रुक गई है। पूरी शक्ति के बिना अगर मैं बाहर आया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पता कर क्या हो रहा है, पता कर। जंबाला जंबाला, हटो हटो, निकल गहराई से, सागर मंथन को रो। हाँ चिकी,
बस थोड़ी देर और। ये क्या था? मुझे भी कुछ महसूस हुआ। नहीं बला है। अरे हेलो साहब, चिपकली, तुम जो भी हो बाद में आना, हम अभी बिजी हैं। चलो इस समुद्री छिपकली को याद दिलाएं कि इसने किससे पंगा लिया है। अब तू देख शेर का टशन। काली करतूतों को खत्म करने का समय आ गया है। लिटिल सिंघम, यही जीवन स्रोत है, इसे गर्म कलश में समेट लो। हमने कर दिखाया कृष्णा।
कृष्णा और लिटिल सिंघम सागर महामंथन पूरा किया और जीवन स्रोत की आखिरी बूंद फूल निकाल दी। आयुष वाटिका पहुंचो और जीवन वृक्ष में जीवन स्रोत डालो इससे पहले कि जीवन वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाए। जाओ जीवन वृक्ष और पृथ्वी को बचाओ, हम भी वहां पहुंचते हैं। तो चले दोस्तों, दिखा दे कंस को कृष्णा और लिटिल सिंघम की जोड़ी का असली दर्शन। यहाँ कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। कंस का चमचा शंभाला कहाँ है? वो जहाँ भी है उसके ना होने का फायदा उठाते हैं। जम्बाला जम्बाला, छिन खाया हंसाया, हास्ता पास्ता, जागो असरों, रोको इनका रास्ता। आखिरी पत्ता भी अब गिरने वाला है। महाबली कंस की जीत होगी, हमला करो। एक बार तू हमें चकमा दे चुका है संभाला, इस बार तुझे जीतने नहीं देंगे। जीवन वृक्ष की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम चिरंजीवियों की है। छोड़ हमें। लेते सिंह कृष्णा हिला मत। आया अंधेर प्रेत अपना डर समेत। भानुवी, अंधेर प्रेत जिस भी चीज को हाथ लगाता है वो सूख कर खत्म हो जाती है, उसे अपने आप को छूने मत दीजिए। अच्छाई की रोशनी के सामने तेरे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है अंधेर प्रेत। खाली बल, खाली बल, जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा। खली महाराज, आज तेरे ही बल्ले से तेरी बल्ले बल्ले करता हूँ। Yeah.
जल्दी करो, जीवन स्रोत को वृक्ष के जड़ों में डालना होगा। जीवन वृक्ष में सिर्फ आखिरी पत्ता बचा है। जम्बाला जम्बाला, लिटिल सिंघम, तेरा अंत आला रे आला। बगड़म छिल्लम तस गर्मा कलश बन जाए दस। कृष्णा, इसमें से असली कलश कौन सा है? हमारे पास वक्त नहीं है लिटिल सिंघम, जोखिम उठाना ही पड़ेगा। चुन लिया। ले लूंगा प्राण, मैं हूं काला तूफान। अरे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। काले तूफान, लगता है तू शेर की दहाड़ भूल गया है। अभी याद दिलाता हूँ। योगवीर अभी। ये मेरी डोर की बंधन से छूट नहीं पाएगा। तुम लोग आगे बढ़ो। त्रिकाया वापस आया, अब सब पे गिरेगी त्रिकाया की छाया। फिर से गलत कलश, ऐसे तो हम कभी भी सही कलश तक नहीं पहुंच पाएंगे। त्रिकाया की छाया से निकलना नामुमकिन है। शेर की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द है ही नहीं त्रिकाया। बहुत हो गया त्रिकाया, ये ले। त्रिकाया को कमजोर समझकर तूने गलती कर दी। लिटिल सिंघम संभल के। इस आग के पिंजरे से कैसे बाहर निकले? घबराओ मत लिटिल सिंघम, मदद आती ही होगी। त्रिकाया, तुझे कितनी बार सबक सिखाना होगा? धन्यवाद चिरंजीवियों, हम हर कलश को छूकर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। एक साथ मिल गया असली कलश। लिटिल सिंघम रुको, यदि अभी तुमने जीवन स्रोत वृक्ष में डाला तो कंस अपने में समा लेगा। स्रोत को वृक्ष में डालने से पहले कंस को बाहर निकालना होगा। मुझे पता है कंस मामा को कैसे बाहर निकालना है। कंस मामा, आपकी तो सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। सारे दैत्य और राक्षस तो ठस हो गए। हमेशा की तरह आप फिर मुझसे हार गए। कब तक इन टटपूंचियों के पीछे छुप कर बैठे रहोगे कंस? दो छोटे छोटे बच्चों से इतना डर लग रहा है। महाबली कंस किसी से नहीं डरता। तुम्हें सबक सिखाता हूँ। नहीं महाराज कंस, आपकी शक्ति अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। इन दोनों को हराने के लिए मुट्ठी भर शक्ति ही काफी है।
हमने देर तो नहीं कर दी, आखिरी पत्ता भी गिर गया, हम पृथ्वी को नहीं बचा पाए। तुम हार गए, मैं जीत गया। निकले हम। इस बार कंस इतनी आसानी से अपनी कैद से छूट नहीं पाएगा। पृथ्वी और जीवन वृक्ष की रक्षा करने के लिए हम सब तुम दोनों का धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी की रक्षा करना तो हमारा धर्म है, क्यों कृष्णा? सही कहा, वैसे भी हर मुश्किल हो जाती है खत्म जब साथ हूँ कृष्णा और लिटिल सिंघम।